सो फाइनली दोस्तों KTM ने जो है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है एक गुड न्यूज़ दी है। गुड न्यूज़ दोस्तों ये है कि हर एक का सपना होता है कि KTM को ले, ये सपना पूरा करने के लिए जो है KTM ने अपनी ई बाइक्स जो है इंडियन मार्केट में लॉन्च करने जा रही है। तो इन बाइक्स में जो है 125 cc की ड्यूक भी आने वाली है, 250 आने वाली है और ड्यूक 390 भी आने वाली है। तो आने वाले कुछ दिनों में जो है इंडियन मार्केट में ये बाइक जो है लॉन्च होने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि होंडा और हीरो की जो है बाइक्स को टक्कर देने के लिए KTM ने अपनी 125 cc का सेगमेंट में जो है इंडियन मार्केट में लॉन्च करने का फैसला किया है। अब KTM जो है बजाज के साथ कोलैबोरेट करके जो है अपनी तीनों बाइक्स को बनाने वाला है। तो हर एक का सपना होता है कि KTM की स्पोर्ट बाइक ले, बट इसकी प्राइस काफ़ी हाई होती है। कंपनी ने ये सोचते हुए जो है इसकी डिमांड भी काफ़ी है, तो ये सोचते हुए कंपनी ने जो है 125 cc में इसको लाने का फैसला किया है। क्योंकि हर एक कंपनी जो है 125 cc में अपनी कोई ना कोई बाइक जो है लाती रहती है। KTM का ऐसा कोई भी वेरिएंट नहीं है जो 125 cc में आए। इसी को ध्यान में रखते हुए KTM अपनी 125, 250 और 390 को जो है इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं। तो इसके लुक्स के बारे में अगर देखा जाए तो तीनों बाइक्स का लुक जो है आपको एकदम सेम देखने को मिलने वाला है। तो काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि इसकी साइड प्रोफाइल में कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएगी। इसमें जो कंपनी का पूरा के पूरा ध्यान जाने वाला है वो फ्रंट के डिज़ाइन पर, यानी कि इसका फ्रंट का जो हेडलाइट सेटअप पर डिज़ाइन है वो आपको चेंज होते हुए देखने को मिलने वाला है। इसमें नए की बात करें तो इसमें आपको जो हेडलाइट का डिज़ाइन है वो आपको पूरा के पूरा चेंज होता हुआ देखने को अब मिलने वाला है। बाकी इसमें फीचर्स की बात करें, इसमें आपको जो है स्विच गियर देखने को मिलने वाला है, TFT डिस्प्ले आपको देखने को जो इसमें मिलने वाला है। बाकी इसमें कॉर्नरिंग भी आप कर सकते हैं, ABS आपको इसमें अब देखने को मिलने वाला है। KTM के ओल्ड बाइक में आपको जो 42 BHP की पावर और 37 Nm का टॉर्क मिलता था, बट अब इसमें जो न्यू इंजन लगने वाला है 390 cc में, तो इसमें पावर आपको जो है 44 BHP की मिलने वाली है और 39 Nm का इसमें आपको टॉर्क देखने को मिलने वाला है। बाकी इसमें 6-speed गियरबॉक्स मिलने वाले, रेन मोड, स्ट्रीट मोड एंड ट्रैक मोड आपको इसमें देखने को मिलेगा। बाकी इसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और टर्न बाय टर्न नेविगेशन जैसे फीचर भी आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। बाकी इसमें आपको जो USD सस्पेंशन मिलेगा और डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा, ड्यूअल ABS मिलेगा, कॉर्नरिंग ABS मिलेगा। इसका कर्व वेट की बात की जाए तो 165 kg का आपको इसमें वेट मिलेगा विदाउट फ्यूल का। तो बाकी इसकी प्राइसिंग जो है आपको पहले के मुकाबले जो है इंक्रीज़ कर दी, यानी कि कंपनी ने जो है इसकी प्राइस जो है बढ़ा दी गई है। तो बात करें इसके लॉन्चिंग डेट के बारे में, तो आने वाले वीक में जो है इन तीनों बाइक्स को इंडियन मार्केट में ATM जो है लॉन्च करने वाली है। बाकी इन तीनों बाइक्स में से जो है आपको कौन सी बाइक पसंद है आप कमेंट करके बता सकते हो। तो फिलहाल KTM की तरफ से यही थी छोटी सी अपडेट। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसे एक बाइक के अपडेट के साथ, तब तक के लिए देखते रहें।